उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज कोरबा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां वे कोरबा के प्रसिद्ध मां सर्वमंगला मंदिर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री साव ने की मौजूदगी में 31 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। वर वधु को आशीर्वाद देने के बाद श्री साव ने आयोजन समिति को बधाई दी। मीडिया से चर्चा में श्री साव ने कहा कि यह काफी सराहनीय कदम है, जिसमें एक साथ कम खर्च में विवाह का कार्यक्रम पूरे विधि विधान से संपन्न कराया गया है। समाज के लिए यह अनुकरणीय पहल है। ये अद्भुत आयोजन 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह निश्चित रूप से ये अनुकरणीय पहल है, समाज सेवा का बड़ा काम है। माँ सर्वमंगला मैया के इस प्रांगण में 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह होना ये अनुकरणीय पहल है। नमन पांडे जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कोरबा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम आदिवासी समाज के कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे। इसके बाद देर शाम श्री साव ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा भी की।